इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और नंदीग्राम में वोटिंग के बीच हंगामे की भी तस्वीर, हाजराघाट में टीएमसी नेता की बीएसएफ के अधिकारी से भिड़ंत हो गई और बीएसएफ के अधिकारी से टीएमसी नेता शेख सुफियान भिड़ गए। दरअसल टीएमसी नेता बूथ में घुसने की कोशिश कर रहे थे और तभी बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद शेख सुफियान अधिकारियों से झगड़ने लगे। मैं पार्टी होने से अंदर में नहीं घुसेंगे। हाँ नहीं, पार्टियों नहीं घुसेंगे। अगर आप मतदाता हैं तो आप नहीं, 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 पार्टी के अंदर में नहीं घुसेंगे। हाजराघाट में बूथ पर कैसे बीएसएफ ने सुरक्षा को लेकर टीएमसी नेता को रोका और वो कहासुनी करने लगे, तस्वीर आपके सामने। बीएसएफ के रोकने के बावजूद शेख सुफियान अलग अलग बूथ पर जा रहे थे और उनसे हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बात की। शेख सुफियान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, तमाम बूथ पर जा रहे हैं। शेख जी, आप तमाम बूथ पर जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक कंप्लेन भी दी गई है कि आप कहीं ना कहीं बाहुबली हैं बहुत बड़े, और इस तरीके की शिकायतें आपके लिए दी गई हैं, और अब बूथ में जाना बीजेपी सवाल खड़े करेगी। हाँ, बीजेपी तो सवाल खड़े करेगी, अग्निअस्त्र लेकर वोटर को डिस्टर्ब करेगा। जो वही 7 नंबर बूथ है, 14 नंबर बूथ है, 5 नंबर बूथ है, उनको वोटर को बाधा देंगे, वोटर वोट नहीं देंगे, तृणमूल का ये सब काम करेगा। लेकिन हिंसा की घटनाएं हो रही है, भारती घोष की गाड़ी तोड़ी गई है अभी कुछ देर पहले, अभी बीजेपी भारती घोष का मैं बात नहीं बताएंगे। बीजेपी का अभी यहाँ पर ही भेकुड़ा में एक बीजेपी वर्कर को जिंदा लटका दिया गया है, उसकी मौत। वो तो मौत तो लटका नीचे को लटका लिया, वो तो राजनीति करेगा बीजेपी। हिंसा का दौर एकदम से शुरू हो, हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है, वो बीजेपी का राजनीति फायदा लेना होगा। सेंट्रल फोर्सेस पे भी क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी के दबाव में है इस तरीके। बीजेपी का तो दबाव है, जब जो फांसी लेगा, जो बताएंगे तो तृणमूल फांसी देंगे। ये क्या है, ये राजनीति है ना, क्या इसके लिए फायदा ले आता है, वो चल नहीं चलेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन शेख दादा, आप ये बताइए कि आपको कहा गया है कि आपके ऊपर तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसी में कंप्लेन भी नहीं, मामला नहीं है मेरा। हाँ। मेरा मामला सब डिसमिस हो गया हाईवे सुप्रीम कोर्ट। अभी कहाँ जा रहे हैं शेख जी? मैं बूथ में जाएंगे। तो ये शेख सुफियान है जिनको लेकर बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े भी किए थे और इन्होंने कहा है कि फिलहाल अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं और हिंसा की घटनाओं को फिलहाल शेख सुफियान नकार रहे हैं। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, नंदीग्राम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।